सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राजगुप्ता 45। तो गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजगुप्ता 45। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि मीशो ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चैनल पर नया हूँगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर क्लिक करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको मीशो ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको मीशो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मीशो ऐप ओपन कर लेना है। फिर ओपन करने से पहले आपका पहला इंटरफेस ऐसा रहेगा, तो फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर डालने के बाद आपको स्टेट डालना है कि आप कौन से जगह में रहते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आउट ऑफ इंडिया का डाल सकते हैं। फिर आपका वेरीफाई नंबर करेगा। फिर करने के बाद आपको अपना जो आपके मोबाइल नंबर डाले हो उस मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा OTP। उस OTP को कॉपी करके मीशो ऐप पे क्लिक कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको यहाँ कुछ ऑप्शन देंगे, इन्हीं ऑप्शन को अलाउ करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो ये सब ऑप्शन को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका मीशो ऐप ओपन हो जाएगा। पर आपको अकाउंट बनाना है तो फिर आपको अकाउंट पर क्लिक करना होगा। आपको लास्ट में आपको नीचे में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। मैंने तो पहले से अकाउंट बना लिया है। तो फिर आपको अपने यहाँ पर लाइन का निशान है, फिर उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। मैंने तो पहले से लिख लिया, तो फिर मैं वापस से लिख लेता हूँ अपना नाम। तो गाइस अब मैंने अपना नाम लिख लिया है। फिर आपको यहाँ पास आपका जीमेल आईडी मांगेगा, तो फिर आपको कोई भी जीमेल आईडी सेलेक्ट नहीं करना है। जिस नंबर पे आपका जो ईमेल आईडी बना है उसी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। फिर अगर आपको मेल हो या फीमेल उस पर क्लिक करना है। फिर आपको लैंग्वेज में जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, सिटी पर आपको अपना नाम लिख लेना है सिटी पे। फिर आपको सिटी का अपना नाम लिख लेना है। फिर आपको ऊपर में पिन कोड यानी कि आपके स्टेट का पिन कोड होगा वो डाल लेना है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया, स्क्रीनशॉट बंद हो गए थे इसलिए। तो फिर आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद आपको नीचे आना है। फिर आपको स्टेट डाल लेना है, छत्तीसगढ़ में रहते या मुंबई में रहते या भिलाई में रहते, जहाँ भी रहते आपको उस जगह का स्टेट डाल लेना है। फिर आपको प्रोफाइल तो बन गया। फिर आपको अपना इमेज लगाना है, तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। मैं अपने एक इमेज डाउनलोड किया था, उस इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। फिर बैंक आना है। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट बनाना है मीशो ऐप से तो कैसे करना है, आपको बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है नीचे में। फिर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है आपको यहाँ पर। फिर आपको आपका नीचे में जो भी परमिशन मांगेगा वो आपको दे देना है। फिर अगर आपको कुछ रेफरेंस पोस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर अपना बिजनेस लोगो भी लगा सकते हैं। फिर आपको अगर ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट को, तो मैंने मीशो ऐप पर ऑर्डर कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो बना के रखी है,
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए